आज मैं इतने अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ कि आप भी चौंक जाएंगे कि वाह, ये पहले से क्यों नहीं मुझे पता था। बहुत ही आसान हो जाएगा आपका ज़िंदगी। तो चलिए देख लीजिए वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। पर उसके पहले अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले टमाटर की बात कर लेते हैं। टमाटर हम लोग ला के रखते हैं घर में अक्सर, और वो दो चार दिन में ही सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय मैं बताती हूँ। जो सेलो टेप होता है ना, वाइट कलर वाला, देखिए इस तरह से सेलो टेप लेना है और इसके जड़ में चिपका देना है। बस छोटा सा एक सेलो टेप लेना है, इसके जड़ जो है पूरा उसको कवर कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, जड़ जब कवर हो जाएगा ना, ये टमाटर आप चाहे महीनों रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस फ्रिज में रखना है इसको, ख़राब नहीं होगा, एकदम गारंटी है मेरी। मैंने अजमाया हुआ है इस ट्रिक को, तो आप भी ज़रूर अजमाएं। और बहुत सारे ट्रिक्स आज मैं बताने वाली हूँ, कौन सा ट्रिक आपको सबसे अच्छा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए अगला ट्रिक्स है आलू के लिए। आलू हम लोग अधिकतर लाते हैं और वो उसमें क्या होता है कि ऐसे देखिए पेड़ निकलने लगते हैं और आलू सड़ने भी लगता है। तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। लहसुन की कलियाँ लेना है और आलू में इस तरह से छिड़क देना है। इससे क्या होगा, आपका आलू सड़ेगा भी कम और इसमें वो हरियाली जो निकलते हैं पेड़, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब चलिए हम प्याज की बात कर लेते हैं। प्याज छिलने में बहुत आंसू आते हैं, सभी को पता है। इसमें हम डालेंगे आइस और साथ में ही डाल लेंगे पानी एक गिलास, और इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद बस आप प्याज छील लीजिए, बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगी, मेरी गारंटी है। मैं रोज़ ये चीज़ करती हूँ, आप एक बार बिलीव करके ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। अब हम जैसे कुछ भी सामान लाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैं तिल लाई हूँ, ये तिल को हमने यूज़ किया, और अगर पैकेट ऐसे ही खुला रख देंगे तो ये ख़राब हो जाता है हवा लग के। जब भी कोई पैकेट लाएँ खोले आप, उसको स्टेपलर मार के रखें इस तरह से, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपका सालों साल चलेगा। तो ये ट्रिक भी ज़रूर अपना सकते हैं, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसलिए चाउमीन बनाने से पहले इस तरह से अगर आप ठंडा पानी में धो लेंगे नूडल को, तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा और एकदम माड़ी निकल जाएगा। बहुत लोगों का ये शिकायत रहता है, चिपचिपा हो जाता है। अब यहाँ पे लौकी बनाने से पहले देखिए हम क्या करते हैं कि पानी में इसको डालकर आधा घंटा तक छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इसके सारे केमिकल है और इंजेक्शन देके आजकल जो लौकी उगाते हैं लोग, वो सारा कुछ निकल जाएगा। यहाँ पे लिया हमने दूध। दूध को जब भी हम फ्रीज से निकालें तो इस तरह से ठंडा दूध को एकदम से गैस पर ना रखें, इससे आपका दो नुकसान होता है। एक तो आपका गैस का बर्नर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, पानी गिर के देखिए इस तरह से बर्तन में जो पानी पसीसता है ना उससे। दूसरी बात है कि गैस बहुत ज़्यादा खपत होता है, बहुत टाइम लगता है दूध गर्म होने में, तो ये ट्रिक भी आप ज़रूर अपना सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का शिकायत होता है कि पोहा खिला खिला नहीं बनता, तो देखिए दोस्तों कितना खिला खिला पोहा बनाया हमने। यहाँ पे हमने ये टिप्स को आजमाया हुआ है। देखिए पोहा को हम धोते नहीं हैं पानी में डाल के, यहाँ पे रुमाल को भिगा कर और इसमें हम पोहा को सोक कर लेंगे थोड़ा सा पानी छिड़क के। इससे क्या होगा कि जो भी पोहा में डस्ट होगा ना, रुमाल में चिपक जाएगा और पोहा एकदम खिला खिला बनेगा। पोहा पानी में डाल देने से कई बार गीला हो जाता है और खिला खिला नहीं बनता है। तो इस तरह से आप ज़रूर आजमा सकते हैं इस ट्रिक को। यहाँ पे हमने लिया है छन्ना चाय जो छानते हैं, कई बार छन्ना में इतना गंदगी बैठ जाता है कि कितना भी आप साफ़ कर लीजिए वो नहीं साफ़ होता है। इस तरह से आप गैस पे जला के इसको साफ़ कर सकते हैं और ये ठंडा होने के बाद इसको स्कॉच ब्राइट से और डिशवॉश से साफ़ कर सकते हैं, एकदम चमाचम हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।